अब अगर आपने ज्यादा सीटियां बजाई तो मैं डांस करना शुरू कर दूंगा. बूम बूम. अगर आज के इस सेशन से सिर्फ एक चीज आपको अपने घर लेकर के जानी है, आपको लेकर जाएंगे. ये ऐसे डायलॉग लड़के ही क्यों बोलते हैं? काश कि किसी लड़की ने बोला होता. हाँ जी, आई लव यू. सेम हियर डार्लिंग. मस्ती करनी है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ना मुझे होने देना है. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं सीरियस हो जाता हूं अपने सेशन में तो मैं क्या करता हूं, पता है ना? कि एक बार मेरा सेशन भारी हो जाता है तो सबका सर भारी हो जाता है. बाहर निकल करके सब गालियां देते हैं, कहते हैं ये क्या किया इसने, भाई कुछ नहीं समझ आया, सब ऊपर से निकल गया. तो आज कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस सेशन को हल्का फुल्का रखने की. मैं अगर बीच में कहीं सीरियस हो जाऊं तो आप मुझे यहां पे इशारा कर देना, मैं यहां पे देखूं. और ये तो फन की बात करनी थी, ये क्या हो गया एकदम से? आत्मा बीच में कहां से आ गई? ये मैं बाबा कैसे बन गया? बोल संदीप दरबार की. ले लो मेरी, ले लो. अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं या आप कुछ बोलो, एक परमिशन मांगना चाहूंगा मैं यहां पर उन लोगों से जो एज में थोड़े से ज्यादा है, अंकल आंटी टाइप के लोग. कई ऐसे आजकल मॉडर्न भी होते हैं अंकल आंटी. हाँ, मैं देख रहा हूँ पीछे अंकल आंटी हाथ पकड़ के बैठे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है. उनको एक कॉर्नर सीट चाहिए थी, मिल गई है. पता है बाकी सब लोगों का ध्यान इधर है, अपना करते रहो जो करो. तो मैं एक परमिशन मांगना चाहूंगा उन सब लोगों से जिनकी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, कि अगर आज मैं यहां पर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स टच करूं, जैसे कि सेक्स या पॉर्न, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों की तो शक्ल से ही लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है. आंखों में चमक आ गई एकदम सेक्स के नाम से. कुछ मजा आएगा. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, एनीबडी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये मैं इसलिए परमिशन लेता हूँ आप लोगों से क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं किस जोन में कब एंटर करूंगा. और एक बार अगर मैं किसी टॉपिक को पकड़ लेता हूँ और उसकी डेप्थ में जाता हूँ तो फिर जाता ही चला जाता हूँ. तो अब अगर वो टॉपिक SEX हुआ तो ये सेशन कहीं भी जा सकता है. तो ऐसा ना हो कि वहां से लोग जूते निकाल निकाल करके रगड़ते हैं. तो अपने जवान बेटे के साथ में आया हूं और सारी पोल खुलता चला जा रहा है एक एक करके. कौन था ये? कौन है ये जो भरा हुआ है इतना ज्यादा? खड़े होकर के बोलिए, क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं है. बाप भी कभी बेटा था. अच्छा, बाप भी कभी बेटा था. वो बंदा ऊपर खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर रहा है, स्टार ऑफ द मॉर्निंग. क्या बात है, मॉर्निंग शो का स्टार, सुपरस्टार. क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम संदीप माहेश्वरी सर. स्पेशल हेलो टू यू. नमस्कार. प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और आजकल के टाइम में जो मैं एक बहुत बड़ी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, एक प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, वो मैं उसका सलूशन मैं आपसे जानना चाहती हूँ. कि प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो मीडिया के थ्रू या सोसाइटी में जितनी वल्गैरिटी जो है जो फैल चुकी है, उसको बीइंग अ टीचर मुझे बहुत मुश्किल से जो है टैकल करना पड़ता है. क्योंकि आप समझ सकते हो आजकल हर तरीके के टर्मिनोलॉजीज, आप TV बंद नहीं कर सकते, आप बच्चों को उन क्या कहते हैं वल्गर गानों से दूर नहीं रख सकते, आप उन वल्गर मैगजीन से दूर नहीं रख सकते. मोर ओवर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कैफे में जाके तीन तीन घंटा लगाते हैं. वो क्या देखते हैं? गेम्स खेलते हैं, क्या करते हैं? सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे. इट्स अ गुड क्वेश्चन. या आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा. बच्चों का वो जो डिस्ट्रैक्शन है इस एज में स्पेशली, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं उस चीज को और आजकल के न्यूज़पेपर्स आप उठा के देख ही सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक बात है.
मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ते ही जाओ लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने टाइम पे चाचा चौधरी पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, आउटडोर मैं भी पढ़ता था चाचा चौधरी। आई वोंट बी सरप्राइज अगर चाचा चौधरी के नाम से कोई नई पॉन्ड निकल के आ जाए। माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं मजाक में बात कर रहा हूं लेकिन ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि बच्चे बहुत छोटी एज में, यानी कि 10-12 साल की एज में, जब हमारी एज में, मतलब कि मेरे जैसे बुजुर्ग, हम चाचा चौधरी पढ़ते थे, नागराज पढ़ते थे, हाँ स्पाइडरमैन तो अभी भी देखते हैं लेकिन अब वो किसी और जाल में फंसे हुए हैं। समझे मेरी डबल मीनिंग बातें समझने की कोशिश किया करो, थोड़े अलर्ट रहो। हम बचपन में स्पाइडरमैन के जाल में फंसे हुए थे, वो किसी और जाल में फंस गए हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे खुद नहीं निकलना चाहते इस जाल से लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि कैसे निकलना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसको ध्यान से समझना बिकॉज मैं अब इस प्रॉब्लम की थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा बिकॉज हमारी सोसाइटी के लिए चीज बहुत जरूरी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। कि जो बात बिल्कुल आपकी ठीक है लेकिन वो होगी कैसे। सोसाइटी पिछले 20 साल में बहुत तेजी से चेंज हुई है। जो इंटरनेट इतनी तेजी से पेनेट्रेट हुआ है उसकी वजह से इतने मेजर चेंजेस आ गए हैं कि लोगों की सोच एक अलग डायरेक्शन में चली गई है। अगर लोगों की सोच देखनी है, जो यंग जनरेशन है उनकी सोच देखनी है, तो आज की मूवीज को देखो, देखो यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस हैं, क्या क्या हो रहा है। मेरी वीडियोस को छोड़ दो क्योंकि वो तो एक्सेप्शंस हैं, करोड़ों वीडियोस में 40-50 वीडियो मेरे टाइप की मिलेगी, बाकी करोड़ों कौन सी हैं, उन करोड़ों वीडियोस के ऊपर करोड़ों व्यूज कौन से हैं, लोग देख क्या रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोग सोच क्या रहे हैं। जो देखेंगे वही सोचेंगे, जो सोचेंगे वही करेंगे। कैन यू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग? सोचो। अगर आपको यहां से वहां तक चलना भी है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे चलना है, मुझे पीछे जाना है। अभी सोच बनती कैसे है? जिस बेस पे आप जो चीजें देखते आए हो उसमें से जिन चीजों से आप अट्रैक्ट हो गए हो, आपका मन करेगा उन सारी इमेजिनेशंस को प्रैक्टिकली सच बनाने का। यस और नो? एग्जैक्टली। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखो गैप कितना बड़ा हो चुका है। आज अगर आप किसी 18-19 साल के लड़के से या लड़की से बात करोगे तो उनके क्वेश्चंस पता कैसे होते हैं अकेले में, शादी से पहले सेक्स करना ठीक है या नहीं है, सोचने वाला पॉइंट है। हाँ, सबके सामने नहीं पूछते बट ये ऊ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ सबके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है। अब अगर जो पेरेंट्स हैं उनसे जाकर के वो पूछेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे? जब भी ऐसा कुछ होता है तो बाप के अंदर का अमरीश पूरी जाग जाता है। नहीं सिमरन नहीं। राज के साथ मत करियो। ऐसी ऐसी चीजें हमको सुनने को मिलेंगी अगर घर पे जाकर के बोला तो। हम फ्रेंड्स के पास जाएंगे और जाकर के उनसे बात करेंगे तो क्या सुनने को मिलेगा? बोलो, जवाब दो कि अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि भाई शादी से पहले हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले तो वो हंसेंगे मुंह नीचे करके, कहेंगे अबे तो अभी तक वर्जिन है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों की जो हालत है ना वो पता है कैसी है? वो ना एक ऐसे चूहे की जैसी है जिसके सामने से एक बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, और चूहा आंख बंद करके बैठा हुआ है। चूहा ये सोच रहा है कि अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही है। मतलब कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता उनकी फैमिली में तब तक पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, और जब हो जाता है तो बौखला जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद में हम सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ हो गई गड़बड़। मान लो बेटी की अबॉर्शन की नौबत आ गई, तब तो हम पूरा रायता फैला देंगे, मार कुटाई भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उससे पहले कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि क्या कभी मदर ने, फादर ने, या टीचर्स ने, या स्कूल ने, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेक्स एजुकेशन के थ्रू या किसी भी तरह से उससे किसी ने बात करी इन चीजों के बारे में? हाँ, नहीं करी, कहीं नहीं करी।